अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय क्लास, दिस इज मीरा फ्रॉम लेसलर्न। आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। पहले वाले सारे पार्ट्स हमने डिस्कस क्लास में किए हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि हम नहीं कर पाए कल इसको कंप्लीट। सो हेयर लेट्स सी व्हाट इज इन द लास्ट पार्ट सो दैट वी मे कंप्लीट द चैप्टर। होली एंड सोलिस ने बहुत टाइम कंज्यूम किया है क्योंकि जो कोविड की वजह से हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ता है क्लासरूम का, तो वो डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे कंप्लीट करना। सो आई थॉट दैट आई मस्ट कंप्लीट इन मीन टाइम। तो ये प्रेजेंटेशन जो है तैयार करी है नाजमा मजहर हुसैन ने, जो HOD है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस की, तो मेरे थैंक्स है उसके लिए। सो इस प्रेजेंटेशन को हम फुल्ली यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एंड तक पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो अभी तक इस चैप्टर के अंदर कंटेंट था, उन कंटेंट्स में से एज ऑफ सोशल चेंज जो है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स डिस्कस हुआ है, इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज हुआ है, सोशलिज्म इन यूरोप जिसमें रॉबर्ट ओवेन, लेवी ब्लैंक एंड कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंजल्स की बात हुई है, वो भी हुआ है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म जो है SDP पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जर्मनी की थी, लेबर पार्टी जो ब्रिटेन से थी और सोशलिस्ट पार्टी जो फ्रांस की है, यहाँ पे वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं किसके लिए, रशियन रेवोल्यूशन के लिए, और उनने कैसा कंट्रीब्यूशन किया वो सारा देखा है हमने, पढ़ा है। उसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके अंदर इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, और धीरे धीरे वहाँ पे जो है लोगों के अंदर जो वर्क कल्चर है वो बढ़ जाता है, बट उनके जो वर्किंग कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, इक्वल वेजेस नहीं होती है, इवन मैन एंड वेमेन के अंदर भी वेजेस नहीं होती है, जबकि वो काम बराबर घंटों तक करते हैं। कुछ इंडस्ट्री में 11 घंटे काम करने के लिए होता है टाइम, कुछ 12 से 15 घंटे जो एक हेक्टिक काम था उनके लिए। तो फिर सोशलिज्म जो है रशिया के अंदर जन्म लेता है, लेबर पार्टी जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो वजूद में आती है, तो उसमें जो डिवीजन आता है वो बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स के बीच में आता है, जो व्लादिमीर लेनिन करते हैं, जिसमें वो मेंशेविक्स को ओपन टू ऑल लाइक जर्मनी में रखते हैं। नाउ उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इक्वल स्टेटस फॉर एवरी पर्सन एंड इक्वल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली एंड प्रॉपर एंड मनी मस्ट बी डिवाइडेड ऑल्सो इक्वली। सो हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो ये जदोजहद चल रही थी। फिर उसके बाद 1905 रेवोल्यूशन, जिसको ब्लडी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ब्लडी संडे भी कहते हैं, जो रेवोल्यूशन जो है सेंट पीटर्सबर्ग में हो गया, जिसको लीड कर रहा था फादर गैपोन। तो फिर कंसुलेटिव पार्लियामेंट जो है वहाँ पे वजूद में आता है, जिसको हम ड्यूमा कहते हैं। तो दैट मीन्स जो जार है उसको मजबूर किया जाता है सस्पेंड करने के लिए ड्यूमा को, फिर नया ड्यूमा इलेक्ट होता है। फिर उसके बाद जो सिचुएशंस क्रिएट होती है यूरोप के अंदर, वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन होती है और रशिया भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो पेट्रोग्रेड के अंदर हो गया, उसके इवेंट्स एंड इफेक्ट्स। तो पेट्रोग्रेड जो है वो नाम फिर रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग का, क्योंकि एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गए। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 का, जब वर्ल्ड वॉर वन साइड कंटिन्यू था, यहाँ से रिवॉल्यूशंस भी हो रहे थे यूरोप, सॉरी रशिया के अंदर, तो उसकी वजह से जो है इवेंट आफ्टर इवेंट जो सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट सिचुएशंस क्रिएट होती है उनके लिए और वो टेक प्लेस करते हैं, उनके इफेक्ट्स जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इकोनॉमी और पॉलिटी को बहुत धचका देती है। तो उस चीज़ की वजह से कुछ चेंजेस आती है सोशली कहाँ पे रशिया के अंदर है, जिसकी वजह से जो वहाँ की सोसाइटी है वो सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है। तो सिविल वॉर भी होता है उसके बीच में, और स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था जब लेनिन की डेथ हो गई, वो भी पढ़ेंगे, और लास्ट में ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो देखते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है रशियन एम्पायर के अंदर, उसमें जो हम देखते हैं पार्टिसिपेशन जार की, तो उसमें अपोजिशन उसको बहुत, ड्यूमा के अंदर भी बहुत मेंबर्स करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हमें जाने की क्या जरूरत है। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सॉल्व नहीं होती है, क्राइसिस थी रशिया के अंदर। सो उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइव्स होगी रशिया के अंदर, स्पेशली सोल्जर्स की, वो एक बड़ा धचका था, क्योंकि उसमें जो दो पावर्स बने थे, एक्सिस पावर एंड अलाइड फोर्सेस, तो वो देखेंगे। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इन्वॉल्वमेंट था कंट्रीज का, उसमें यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो सेंट्रल पावर और अलाइड पावर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1914 के अंदर जो स्टार्ट हो गया, सोचा था एक साल के लिए चलेगा, चलते चलते चार साल, तो 1918 में खत्म होता है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन, ये रशिया सारा है उस वक्त का, आज ये इतना ही है।
तब जो है ये वाले पार्ट्स जो है यूरोप तक इसके अपनी एम्पायर के हिस्से थे। तो आज ये आज़ाद है, ये फेडरल कंट्रीज जो है इस वक्त बन गई है। तो ये रशिया है, फ्रांस, यूरोप, ब्रिटेन, साथ साथ जर्मनी और टर्की, और यहाँ से यूएसए, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ग्रीन कलर के जो है वो सेंट्रल पावर्स है, और ये जो येलो कलर के अलाइड फोर्सेस हैं। ठीक, तो ये हम जानते हैं रशिया के अंदर जो इनिशियली वॉर जो पॉपुलर हो गया, लेटर ऑन इसको सपोर्ट जो है कम मिला। एंटी जर्मन सेंटिमेंट जो है वो चलते रहते हैं, जर्मनी के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे रशिया के अंदर वो एंटी जर्मन बन गए। तो रशियन आर्मी जो है उनको बैडली लॉस करना पड़ा जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के साथ, यानी उनको टफ चैलेंज मिला वहां पे, क्योंकि फेस टू फेस आर्मीज थी। तो 7 मिलियन कैजुअल्टीज होती है, तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज होते हैं जो फिर रशिया के अंदर बना लेते हैं। तो क्या होता है उसके बाद, तो इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आती है पूरे रशिया के अंदर, और इन 7 मिलियन कैजुअल्टीज की वजह से, क्योंकि कैजुअल्टीज में डेथ्स भी आएंगे, मेम्ड पीपल या हम सोल्जर्स कह सकते हैं वो भी आएंगे, और जो वर्क फोर्स था वो सारा वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए गए मेन जो है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसकी वजह से विमेन के ऊपर ज्यादा दबाव आया, वो वर्क कल्चर उन पे जो है वो भारी पड़ गया, तो उन्हें फिर जो है लाइवलीहुड के लिए बाहर आना पड़ा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो गई, तो लेबर शॉर्टेज आ गई, रेलवे लाइन जो है उनको शट डाउन किया गया, तो वर्कशॉप जो सारे क्लोज थे वर्ल्ड वार की वजह से, तो जिसकी वजह से ऑल इन ऑल जो पॉपुलेशन पे जो है वो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज आ गई, तो ब्रेड जो है धीरे धीरे महंगी हो गई। तो फिर रशिया के अंदर लोगों ने जब सफर किया, तो फिर फरवरी रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट होता है। कब होता है वो? 1917 में होता है, फरवरी में 22 को। तो यहाँ पे फिर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम से पेट्रोग्रेड रखा जाता है, क्यों? क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम है वो जर्मन ऑरिजन का था, तो उस बेस पे उसको चैलेंज मिला, तो उसकी वजह से नाम चेंज करना पड़ा। तो ऐसे कौन से इवेंट्स हो गए जो फरवरी रिवॉल्यूशन के अंदर जो है वो हुए? तो विंटर था, फरवरी का मौसम जो होता है वो हार्श कोल्ड होते हैं, स्पेशली जो रशिया है वो पोल्स के करीब है, तो फ्रिजिड जोन में कुछ एरियाज आएंगे। तो अभी हमने पढ़ा फूड शॉर्टेज ज़्यादा थी, वर्कर्स की कम शॉर्ट, जो लेबर फोर्स है वो अवेलेबल नहीं था। तो सेकेंड 22 फरवरी जो है, तो वो बाहर निकले फैक्ट्री से, लगभग 50 फैक्ट्री से जो वर्कर्स हैं उनने एक दूसरे के साथ सिंपैथी दिखा के उन्हें एहतजाज किया, तो औरतों ने भी एक पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई वहाँ पे स्ट्राइक्स के अंदर, वो भी शाना बशाना चली। तो उसके बाद जो पहली बार जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन थी, तो उस बेस पे उस वक्त जो रेवोल्यूशन जो उठा था फरवरी का रेवोल्यूशन, उसमें इस डे को सेकंड 22 फेब को इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया गया। तो हम कह सकते हैं जो औरतों की जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक थी, या हाउस होल्ड रिलेटेड थी, डेली बेस नीड्स पे, या कुछ और थी, जो भी क्राइसिस थी सारे सफर हो रहे थे, उन्होंने भी फिर पार्टिसिपेशन दिखाई। तो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कर्फ्यू, और जो क्वार्टर्स फैशनेबल एरियाज के थे, यानी ऑफिशियल बिल्डिंग्स जहाँ से रॉयल फैमिली और बाकी सारे जो उन बिल्डिंग्स में रहा करते थे, तो उनको सराउंड किया गया। और तो उनको खतरा था कि वर्कर्स इन पे अटैक करेंगे, रैनसैक करेंगे, जलाएंगे, तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ा 24-25 फेब को। तो कैवेलरी भी बुलाई गई, जो घोड़ों पे आर्मी आती है, तो उनको कहा गया कि विजिलेंस रखें इन पे, नज़र रखें, कहीं कुछ अप डाउन हो जाए तो सिचुएशन को कंट्रोल करें। फिर 25 फेब को जो गवर्नमेंट है सस्पेंड करती है ड्यूमा को, दैट मींस जो है रशियन जार जो है वो दबाव में आता है, पॉलिटिशियंस जो है वो अगेंस्ट इसके मेजर्स के रिलेटेड वो बात करते हैं, तो लोग जो है एज वन फोर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट थे, तो वो पीछे नहीं हट रहे थे, इवन फोर्स भी यूज किया गया उन पे, लाठी चार्ज भी, इवन कभी कभार फायरिंग भी करनी पड़ी, जिस तरह ब्लडी संडे के टाइम हुआ था 1905 में। ऑल इन ऑल जो है सिचुएशंस ग्रिम हो रही थी, तो फोर्सिबली फिर ड्यूमा को सस्पेंड किया गया, और 27 को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उन पे हमला होता है, उनको रैनसैक किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई चेंज आती है, पॉलिटिकल चेंज या इकोनॉमिक चेंज, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है कुछ अपोजिशन में रहते हैं, कुछ फेवर में रहते हैं, जिस तरह अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट है, इसी तरह उस वक्त जो है फिर सिचुएशंस ऑल इन ऑल बहुत खतरनाक होती जा रही थी, क्राइसिस बढ़ रही थी, यहाँ से वर्ल्ड वार भी चल रहा था, तो फिर से कैवेलरी को बुलाया गया कंट्रोल करने के लिए।
हाउएवर इट रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशंस या डेमोन्स्ट्रेटर्स, क्यों? क्योंकि लास्ट बार 1,10,000 वर्कर्स या हम रेवोल्यूशनरीज कह सकते हैं वो निकले थे, फिर 100 जो है उनकी किलिंग की गई थी, 300 वाउंडेड थे, तो उस बेस पे जो है ये जो सेंटिमेंट्स थे फोर्सेस के, अब दिख रहा था कहीं ना कहीं जो है लोग सही बात कर रहे हैं, कंट्री के अंदर जो है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स पे हमला या फायर करना उसे रिफ्यूज किया था, तो फिर एक ऑफिसर जो है उसको मार दिया जाता है जो बैरक्स के अंदर जो रेजिमेंट की होती है जहाँ पे फोर्सेस रहते हैं, ठीक है, रिहाइश पजीर होते हैं, तो अदर रेजिमेंट्स जो है म्यूटिनी करते हैं, तो दैट मीन्स फोर्सेस के अंदर भी म्यूटिनी होती है, लोगों के साथ कुछ रहते हैं सपोर्ट में तो कुछ अगेंस्ट थे, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट और फोर्सेस के बीच में अब एक जो कोऑर्डिनेशन है वो टूटने लगी, तो कुछ फोर्सेस अगेंस्ट गवर्नमेंट गए, तो सो दैट दे डिसाइडेड टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ देयर पेट्रोग्रेड, सो दे फॉर्म्ड अ सोवियत और अ काउंसिल, वी कैन से एक सोवियत बनाया गया, एक काउंसिल बनाया गया जिसमें सारे जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं इन एसोसिएटेड रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स के और साथ साथ वर्कर्स के, तो वो फिर एक काउंसिल क्रिएट करते हैं, तो फिर इसी का नाम रखा गया पेट्रोग्रेड सोवियत, तो फिर वो अपने डेलीगेशन भेजते हैं जार के पास बातचीत करने के लिए, फिर वो जार को कहते हैं एक ही तरीका है रिवोल्यूशन को रोकने का, जो है आप एबडिकेट हो जाए, तो शॉर्ट में वो जार को कहते हैं आप अपने क्राउन या सीट को छोड़ दे तो राजशाही से उतर जाए, तो डेलीगेशन जो है वो उनसे मीटिंग करता है, उसमें मिलिट्री कमांडर्स भी थे, उन्होंने उसको एडवाइस दी बाजब्त तौर एबडिकेशन के लिए, तो फिर फाइनली जो है जार की हुकूमत 2 मार्च 1917 को ख़त्म होती है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट वजूद में आती है, उसको फॉर्म किया जाता है, इन्होंने ही उसको बनाया, इन्होंने सोवियत पेट्रोग्रेड ने और ड्यूमा ने, उनके लीडर्स जो है अब वो कंट्री को रन करने लगे, तो दैट मीन्स नई जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी इन एसोसिएशन विद द सोवियत पेट्रोग्रेड। नाउ उसमें जो पीपल इन्वॉल्व थे, पार्लियामेंट्रीज थे, वर्कर्स थे, वेमेन वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, तो सब ने जो है कंट्रीब्यूशन निभाया, और ऑल इन ऑल वो चाहते थे कि सोवियत जो रशिया है इसके अंदर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी आ जाए, और जो टायरनी है, एरिस्टोक्रेसी है और डिवीजन ऑफ क्लास है वो ख़त्म हो जाए, और प्रॉफिट प्रॉपर्टी राइट जो है हर किसी को मिलने चाहिए, और सफरेज भी हर किसी को मिलना चाहिए, तो पॉलिटिकल चेंज एंड इकोनॉमिक चेंज वो लाना चाहते थे ऑन द बेस ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या था? ये एक आइडिया था बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी सबको मिले, तो इफेक्ट्स क्या थे इसके? रिस्ट्रिक्शन जो पब्लिक मीटिंग्स पे थे, एसोसिएशंस पे, वो रिमूव किए गए, अब किसी को पाबंदी नहीं है, सोवियत्स जो है हर जगह सेटअप किए गए, और इंडिविजुअल एरियाज जो फैक्ट्री कमिटीज है फॉर्म करने लगे, और वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो फैक्ट्री फिर से चलाने लगे जिस तरीके से वो चला रहे थे, बट उसमें कुछ क्वेश्चनिंग हुई ऑन द बेसिस अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो उनके अगेंस्ट जरूर पूछा करते थे, तो उस बेस पे फिर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट्स या हम कह सकते हैं जो रन करने वाले इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज ओनर्स थे, तो उनमें भी कुछ चेंजेस लाई गई, वो चेंजेस जो पॉजिटिव थी, लाइक रियल वेजेस के लिए एहतजाज हो रहा था, और वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना था, वर्किंग कंडीशंस को बेटर करना था, वो सारी चीज़ें। सोल्जर कमिटीज जो है उनको फॉर्म किया गया आर्मी के अंदर, न्यू यूनिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस की गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है देखते ही देखते उन्होंने देखा कि उनका जो हुकूमत का जो पावर है यानी उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जा रहा है, और बोल्शेविक्स का ग्रो होता जा रहा है, दैट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी खुद को फील करने लगी कि वो कमज़ोर हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है उसका पावर, और बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो बोल्शेविक्स को लीड करने वाला व्लादिमीर लेनिन ही था, तो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। व्हाई? बिकॉज जार के बाद वो नहीं चाहते थे और कुछ डिसकंटेंट फैल जाए रशिया के अंदर जिससे अपराइजिंग हो या क्राइसिस फिर से बढ़े, तो उन्होंने मेजर स्टर्न उठाए यानी स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाए अगेंस्ट द बोल्शेविक्स, तो इवन के जो व्लादिमीर लेनिन है उसको एग्जाइल भी किया गया था। फिर इन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए कि इन्होंने जो वर्कर्स हैं रिजिस्ट द जो फैक्ट्रीज है उनके रिलेटेड जब लीडर्स उनके अरेस्ट किए गए थे, तो उन्होंने एक एजिटेशन
तो दैट मींस अब जो भी एजिटेशन कर रहा था, जो भी अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उस पे अगेंस्ट जा रहा था, तो उनके लीडर्स या उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको रेजिस्ट किया जा रहा था। तो पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के जो लीडर्स हैं उन्हें बहुत दबाव डाला, प्रेस्ड फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, किस चीज़ के लिए कि लैंड को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करो, नोबल से जो लैंड जो छीनी गई थी उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो लैंड कमिटीज जो है बनाई गई, पीजेंट्स जो है उनको लैंड सीज करने के लिए एक अपने लीडर्स ने जो ऑर्डर्स दिए थे या उनके एजेंडाज जो थे, तो उन्होंने जो सीजर ऑफ लैंड है वो स्टार्ट किया। उसकी वजह से अनरेस्ट फिर से फैल गई बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो फिर से जो सिचुएशन ग्रिम हो रही थी, क्रिएट हो रही थी अगेंस्ट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसकी वीकनेस जो है वो जाहिर हो रही थी इन इवेंट से। तो सीरीज ऑफ इवेंट जो है बैक टू बैक हो रहे थे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जुलाई टू सेप्टेम्बर ये चीजें हो गई, तो अक्टूबर में फिर से रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। फिर इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए फिर से पेट्रोगेट सोवियत जो है मीटिंग करता है, वो मिलते हैं, ये है वो ड्यूमा पार्लियामेंट जहाँ पे मीट करते थे, मेंबर्स है पेट्रोगेट के, तो इन्होंने फिर से मीटिंग की। नेक्स्ट जो बात आती है अक्टूबर रिवोल्यूशन की आती है, तो देखते हैं 1917 का जो अक्टूबर रिवोल्यूशन है उसमें क्या हुआ, कौन सी चेंज आ गई, कौन से जो अपराइजिंग्स में पार्टिसिपेशन किस तरीके से हुई, तो पॉलिटिकल चेंज कैसे आ गई। तो 16 अक्टूबर 1917 में फिर से जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, वो पर्सुएड करता है इन सारे मेंबर्स को, जो मेंबर्स थे पेट्रोग्रेड सोवियत के यानी काउंसिल के, और खुद भी उसकी बोल्शेविक पार्टी थी, तो वो एग्री करते हैं एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर के लिए, यानी वो चाहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है पावर वो छीन लिया जाए। उसके लिए उनने कॉन्स्पिरेसी कहो या एक प्लान बनाया हुआ था अपने हिसाब से कि कैसे ये सीजर ऑफ पावर हो जाए। तो उसमें मिलिट्री जो है, रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो है वो अपॉइंट हो जाती है या उनके साथ गठजोड़ होता है। तो फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि सोवियत से या पेट्रोग्रेड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कैसे ऑर्गेनाइज सीजर ऑफ पावर करें और किस तरीके से हम इनसे पावर जो है छीन ले। तो अपराइजिंग जो है बिगेन होती है 24 अक्टूबर को, तो दैट मींस ये 16 अक्टूबर को ये सारा होता है, ये फिर आपस में मिल जाते हैं, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइज होते हैं प्लान्स, फिर अपराइजिंग जो है 24 को स्टार्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्की है वो भाग गए, ठीक है, टू समन द ट्रूप्स, क्योंकि उसने खुद को फील सिक्योर नहीं किया, ताकि वो ट्रूप्स को जमा करके वो उन्हें बता दे कि कुछ हो रहा है, पावर सीजर के लिए प्लान्स बन रहे हैं, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट को सेफ गार्ड करना है। तो उसकी वजह से वो जो है वो सिटी को छोड़ के ट्रूप्स के पास समनिंग के लिए जाते हैं। तो ये है व्लादिमीर लेनिन की फोटोग्राफ और ये है मिनिस्टर केरेंस्की की। तो ये दोनों फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, लेनिन और उसके पीछे जो है फ्लैग अपना बोल्शेविक पार्टी का, और ये है लेनिन के बाद केरेंस्की। अब जो है इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन में मिलिट्री के अंदर भी डिवीजन आ गया, जो मिलिट्री लॉयल थी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने उन बिल्डिंग्स पे सीज किया जहाँ पे दो बिल्डिंग्स थी बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की जहाँ इजरा हो रहे थे। तो प्रो गवर्नमेंट जो ट्रूप्स है उन्होंने टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस पे प्रोटेक्शन लगाई, वहाँ पे फोर्सेस लगाए ताकि वो विंटर पैलेस को भी बचा सके। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अब एक साइड से प्रो गवर्नमेंट आर्मी थी या मिलिट्री थी, दूसरे अगेंस्ट जो एंटी गवर्नमेंट थे। तो इन रेस्पॉन्स टू दैट जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी से थी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को सीज करो, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको सीज करो और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर दो। तो उसकी वजह से जो है एक जो सिक्योरिटी है वो की फीचर बन जाती है, और उसकी वजह से जो है फेस टू फेस आर्मी एक ही कंट्री की आपस में आती है। तो ये सारा वर्ल्ड वार के दौरान ही हो रहा था 1917 के अंदर। तो फिर हालात इस तरह बदल जाते हैं कि शिप्स को यूज किया गया, अपने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उनको तैनात किया गया, और एक शिप जो है यूज किया गया उसका नाम है अरोरा शिप, और उसने शेलिंग की विंटर पैलेस पे। अदर शिप्स को डायरेक्शंस दी गई, जब तक ना आपको ऑर्डर मिले तब तक आप कोई मूवमेंट ना करें, कोई अटैक ना करें, तो उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे रखा। वो पिक्चर भी हम अभी देखेंगे वो शिप कैसा था। तो बाय द नाइट जो है सिटी वो सारा उस पर कंट्रोल जो है वो बोल्शेविक्स और प्रो अगेन एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस का आता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने सरेंडर किया। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो उसके बाद है
अप्रूव किया गया बोल्शेविक एक्शन के बाद। तो पेट्रोग्रेड के अंदर फिर सारे मिलके ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ऑफ पेट्रोग्रेड जो है अप्रूव करते हैं। ये है वो शिप जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस ने यूज किया अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसने शेलिंग की विंटर पैलेस पे। तो ये उसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये रशिया का उस वक्त का विंटर पैलेस है जो सेंट पीटर्सबर्ग, जो आज का पेट्रोग्रेड है, वहां का है। तो उस वक्त इसी पे हमला हुआ था और ये आज भी मौजूद है। तो यही है वो विंटर पैलेस जहाँ पे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट चला रही थी पूरे रशिया के अंदर। इससे पहले ज़ार लोग यहाँ पे जो है रहा करता था। तो लेटर ऑन बोल्शेविक्स ने इस पे हमला करके फिर जो मिनिस्टर्स है वो सारा सरेंडर करते हैं। तो ऑल रशियन कांग्रेस जो है वो अप्रूव होता है। तो ये वो चर्च है जो सेंट पीटर्सबर्ग का चर्च है, क्योंकि हम जानते हैं ज़ार जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था और उस रशियन एम्पायर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज भी रहा करती थी जिनको जदीदिस्ट कहते हैं। ऑल दो ये जदीदिस्ट जो है रिफॉर्मेशन इस्लाम जो है मॉडर्नाइज चाहते थे, तो जिसको हम उर्दू में जदीदियत कहते हैं। तो ऑल दो इसी बेस पे उनका नाम जदीदिस्ट पड़ा या जदीदिस्ट पड़ा। तो उसके साथ साथ बौद्ध रिलीजन के भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो विंटर पैलेस के साथ साथ सेंट पीटर्सबर्ग का चर्च, जहाँ पे न्यू ईयर या क्रिसमस जो हर साल मनाया जाता है वो इसी शहर और इसी चर्च के आसपास रशिया के अंदर मनाया जाता है विंटर पैलेस में। तो ये उसकी पिक्चर है। तो हियर यहाँ पे हम देखेंगे 1917 जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है उसमें हैवी फाइटिंग होती है मॉस्को के अंदर, जो आज का कैपिटल सिटी है। दिसंबर में फिर क्या होता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक की फाइटिंग जारी रहती है और जो फेस टू फेस आर्मी है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी फेस करती है जो रशिया के अंदर उठे थे, क्योंकि उनने उसी का फायदा उठाया वर्ल्ड वार का। दूसरे साइड से रशिया की ही आर्मी वर्ल्ड वार वन में पार्टिसिपेट कर रही थी और डिफरेंट तरीके से उसकी जो कैजुअलिटीज हाई रहती है बनिस्बत दूसरी जो अलाइड और सेंट्रल पावर्स की फोर्सेज आपस में लड़ रही थी। तो लॉस ऑफ लाइव्स जो है वो एक मेजर एक प्रॉब्लम बनती है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक टाइज है वो बाल्टिक सी से वो क्लोज करते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या ज़ार के टाइम हुआ था वो। तो फिर जो ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो रुक जाता है। उसके साथ साथ जो क्राइसिस होती है सिविल वॉर की वो बढ़ जाती है। तो पेट्रोग्रेड एरिया या मॉस्को एरिया आज का, तो उस पर कंट्रोल फिर बोल्शेविक्स का आता है बाय दिसंबर 1917। जो पीपल इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो लेनिन खुद ही होता है और बोल्शेविक्स के जो लोग हैं सपोर्टर्स वो होते हैं। तो इसमें ट्रूप्स जो है प्रो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व थे। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ 1917 रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। सो मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स जो है उसके बाद नेशनलाइज किए गए। तो दैट मीन्स कंट्रोल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट का आ गया उस पर, कब 1917 के नवंबर में। तो इंडस्ट्रीज भी नेशनलाइज हो गई, बैंक्स भी नेशनलाइज हो गए। तो अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो ओनरशिप या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल ओनर्स या फैक्ट्री ओनर्स या बैंकर्स लैंडलॉर्ड्स, वो सिस्टम जो है खत्म हो जाता। लैंड जो है उसको डिक्लेयर सोशल किया जाता है, यानी सोशल प्रॉपर्टी पूरे रशिया के अंदर लैंड को डिक्लेयर किया जाता है, जिसकी वजह से पीजेंट्स है उनको अलाउ किया गया वो नोबिलिटी से यानी नोबल क्लास से लैंड को सीज करे और उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो वहाँ पे टेक प्लेस करता है। यूज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक जो टाइटल्स थे उनको बेन किया गया, तो उनको जो टाइटल्स को है वो खत्म किया गया। और कौन से इफेक्ट्स थे, लाइक न्यू यूनिफॉर्म्स जो है वो डिज़ाइन की गई आर्मी के लिए भी और ऑफिशियल्स के लिए भी, वो पहनना ज़रूरी था जो अंडर बोल्शेविक रूल है वो उनको डिज़ाइन जो है प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट चीज़ जो हुई, रशिया जो है वन पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मल्टी पार्टी बाई पार्टी सिस्टम वहाँ पे नहीं रहा। तो वन पार्टी सिस्टम रहा जिसमें अपोजिशन कोई नहीं रहेगी। ट्रेड यूनियन जो है वो अंडर पार्टी कंट्रोल वहाँ पे किया गया था उसके लिए। तो जो ट्रेड यूनियंस है उनको पार्टी ने कंट्रोल किया। लेटर ऑन जिस तरह इंडिया ने आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान्स बनाए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे भी एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और रिकवर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड द सिविल वॉर मस्ट बी रिकंस्ट्रक्टेड और रिब्यूल्ड। ओके, ये वो कैप है जब बोल्शेविक के लीडर जो व्लादिमीर लेनिन है उसने कहा था कि हमें अब जो है कम्युनिस्ट रशिया या कम्युनिस्ट सिस्टम चाहिए या सोशलिस्ट रशिया चाहिए। तो ये वो कैप है जिसको बुदियोंस्क कहते हैं। ऑल्दो इसकी स्पेलिंग जो है
बुद्योनोवका है। बुद्योन्स्क वो कैप है जो उस वक्त की जो कम्युनिस्ट मिलिट्री है उन्होंने वो पहनी है, उनके लिए फ्रेम की गई। तो ये जो बुद्योन्स्क का कैप है, इस जिस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर फ्रिजियन कैप इंट्रोड्यूस की गई रेड कैप्स, इसी तरह यहाँ पर रेड आर्मी के लिए बुद्योन्स्क कैप यूज की गई। अब क्या हो गया इस रिवॉल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। तो दैट मींस धीरे धीरे अब रिकवर हो रही थी इकोनॉमी और प्रोडक्शन भी रिकवर हो रही थी, फूड क्राइसिस पे भी कंट्रोल आ रहा था, तो वर्क कल्चर फिर से बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो रिकवर होने लगी, अब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही थी। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज हो जाए रूरल और अर्बन एरियाज ऑफ रशिया के अंदर। कलेक्टिवाइजेशन का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया। तो कलेक्टिवाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टालिन ने दिया, तो ये भी हम पढ़ेंगे ये क्या है। अब बात आती है लास्ट के दो टॉपिक्स की, ये है सिविल वॉर। जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर दिया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की, तो रशियन आर्मी ने ब्रेकअप स्टार्ट किया इस रिवॉल्यूशन को तोड़ने के लिए, इस पहल को तोड़ने के लिए। तो नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे या लिबरल्स थे या सपोर्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी थे यानी कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने इस बोल्शेविक अपराइजिंग को कंडेम किया। तो दैट मीन्स फिर से एक अपराइजिंग या इंटरनल वॉर स्टार्ट हुए जिसे सिविल वॉर कहते हैं। वो किस बेस पे हुआ, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पे हुआ। अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ ट्रूप्स जो है फॉर्म किए, उनको ग्रीन्स कहते थे, और जो फाइट अगेंस्ट द बोल्शेविक रेड करेंगे। तो बोल्शेविक्स के अंदर ही दो ग्रुप बन गए क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट खत्म हो गई। अब ये जो उस पे सीजर ऑफ पावर के बाद फिर से वॉर स्टार्ट हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए, तो जो ट्रूप्स हैं उनमें फिर से दरार आ गई। एक का नाम ग्रीन बोल्शेविक, दूसरा ब्रेड बोल्शेविक। तो उसमें एक ग्रुप था जो प्रोजार था, जिनको वाइट्स कहते हैं, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर के ऊपर अभी भी कंट्रोल किया हुआ था, तो इनको वाइट्स कहते थे। अब तीन ग्रुप्स आ गए, रेड्स, ग्रीन्स एंड वाइट्स। तो ये जो है इनमें कुछ लोगों को जो यानी वाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसीज, अमेरिकन्स, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ताकि वो फिर से कंट्रोल हासिल करें। तो दैट मींस वर्ल्ड वार वन के अंदर और रशिया के अंदर दोनों में फिर से कुछ अलायड एंड सेंट्रल पावर्स के बीच जो है अभी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है रशिया के इंटरनल मामलात के अंदर। तो जो है वहां पे एक वॉर स्टार्ट होता है, इन्होंने सब ने लड़ा किन के साथ, बोल्शेविक्स के साथ। फाइनली जो है मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी टेक प्लेस करता है, जिस तरह फाइनली यहाँ पे फ्रांस के अंदर हमने देखा था रिपब्लिक होने के बाद फिर से वो बन गए थे ऑटोक्रेटिक, मोनार्की वापस आई थी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक लाया गया था। इसी तरह रशिया के अंदर या जर्मनी के अंदर मेकिंग ऑफ जर्मनी ऑफ 10th में पढ़ोगे, मेकिंग ऑफ इटली, इसी तरह रशिया के अंदर सोशलिस्ट सोसाइटी की मेकिंग स्टार्ट हो गई। तो बोल्शेविक जो है उन्होंने इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को नेशनलाइज किया ड्यूरिंग द सिविल वॉर, उनके पास कंट्रोल था इस पे बैंक्स और इंडस्ट्रीज पे। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है इंट्रोड्यूस हुई थी वो हमने पढ़ा था। तो ये दो पॉइंट्स भी पड़े थे, रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, रेलवेज बनने लगे, रोड्स बनने लगे, शिप की जो वोयेज है वो स्टार्ट हो गई, तेज हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया, ट्रेड ने एक पेस फिर से पकड़ी और इकोनॉमी जो है रिकवर करने लगी। एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया अक्रॉस द यूरोप, सॉरी रशिया और उसके एम्पायर के अंदर, ताकि जो है सिस्टम डेवलप्ड सिस्टम जो है स्कूलिंग का वो क्रिएट किया जाए, ताकि लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि तो इसी दौरान क्या होता है, व्लादिमीर लेनिन की डेथ होती है, फिर आता है स्टालिन जो रूल करता है। स्टालिन का जो एक नया रूल आता है वो कलेक्टिवाइजेशन यानी कलेक्टिव फार्मिंग आती है। उसमें स्टालिन बिलीव करता है जो रिच पीजेंट्स है यानी वेल टू डू पीजेंट्स और जो ट्रेडर्स है वो स्टॉक को सप्लाई करे, ताकि जो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स है वो कम हो जाए, क्योंकि शॉर्टेज थी हर जगह, वो अपनी जगह जखीरांदोजी कर रहे थे, जिस तरह कश्मीर में विंटर्स में जखीरांदोजी होती है जब क्राइसिस होती है किसी चीज़ की या किसी कमोडिटी की, तो फिर हायर प्राइसेस के लिए वो छुपा के रखते हैं, तब निकालते हैं जब नीड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फिर वो चीज़ें महंगे बेचते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे भी ऐसा हुआ, बहुत सारे ट्रेडर्स या वेल टू डू पीजेंट्स ने सप्लाइज को जखीरा किया हुआ था, तो जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स वो देखी गई। तो फिर स्टालिन हो गया मजबूर कलेक्टिवाइजेशन के लिए, तो उसने कहा कलेक्टिवाइजेशन जो है वो नीड ऑफ एन आवर है। ये है स्टालिन की पिक्चर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो,
ये था व्लादिमिर लेनिन के बाद वो लीडर जिसने कलेक्टिवाइजेशन का जो है सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया। ऑल दो ये आर्मी में भी रहा था और इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वॉर वन में और साथ साथ इंटरनल क्राइसिस को शांत करने में। तो ये है स्टालिन। अब क्या था इस सिस्टम ऑफ कलेक्टिवाइजेशन में, इसने कहा था इस चीज से मॉडर्नाइज्ड जो फार्मिंग है वो टेक प्लेस करेगी। जो फार्मर्स का प्रोड्यूस निकलता है वो पर्टिकुलर जगह पे लाना है, उसको गवर्नमेंट जो फिक्स्ड रेट पे अमाउंट देगी और उसको लेना है। तो दैट मींस शॉर्टेज ऑफ फूड को रिड्यूस करना है। ऑल दो फायदा उनका भी होगा और गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। जिस तरह शायद इस वक्त जो हम कह सकते हैं किसान जो है उसी बात पे सम हो सिमिलर एक पॉइंट पे है। ऑल दो सारे पॉइंट सिमिलर नहीं हो सकते हैं लाइक रेट्स पे, फिक्स्ड रेट्स पे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर इसके अगेंस्ट जो है रजिस्टर करते हैं। कलेक्टिवाइजेशन जो है उसका जो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट जाती है और उनको अरेस्ट करने लगती है। कुछ को पनिशमेंट मिलती है, कुछ को एग्जाइल किया जाता है और कुछ को प्रिजन में डाल दिया जाता है। लेटर ऑन उनमें से किसी को चार्जेस लगते हैं, उनको कोर्ट के तहत फिर एग्जीक्यूट किया गया, हैंग किया गया। ऑल इन ऑल फिर कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम जो है यहाँ पे स्टालिन उसके लिए जो भी अपोज करता है उसको पनिशमेंट देता है। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस ये रहता है बाय 1950s जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट और एंड हुआ था तब तक जो है रिऑर्गेनाइज हुआ था सिस्टम ऑफ कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे आजाद हो रही थी। वो कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज आजाद हो गई, उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई, जो है डचेस यहाँ से निकले, फ्रांसीसीज भी निकले, अफ्रीकन जो कंट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन वहाँ हुआ था, सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, माइनिंग, गोल्ड माइन, स्टील, आयरन जो भी है, कैरिबियाई आइलैंड्स के अंदर प्लांटेशन, तो उन कॉलोनीज सबको फ्री किया गया। तो आउटसाइड दैट जो एवरीथिंग हो रहा था आसपास उसके साथ रशिया के अंदर भी जो है कुछ चेंजेस आ रही थी। बट जो रशिया है वो सोशलिस्ट बना, उसमें जो रशियन जो सिस्टम ऑफ जो सोशलिज्म है और इसमें जो कम्युनिस्ट रशिया जो अडॉप्ट होता है उसमें फिर एक ब्लॉक बनने लगता है, सॉरी एक रशियन ब्लॉक जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, तो उसके बाद दूसरा ब्लॉक यूएसए का। तो वो बनाना चाहते थे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक, एक सोवियत दूसरा यूएसए। तो उसकी वजह से जो फिर से एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, बट वो लड़ा नहीं गया। वो आइडियोलॉजीज बेस पे सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म कह सकते हैं, तो उस पे फिर उस जंग का नाम कोल्ड वॉर पड़ा। तो ये चीजें मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि जो इन्फ्लुएंस रहता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या निजी डोमेस्टिक लेवल पे, वो डिफरेंट था रशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि जो वहां अडॉप्ट जो सिस्टम हुआ वो कम्युनिस्ट सिस्टम हुआ। जो इंडस्ट्रीज है वहां पे अब धीरे धीरे फ्लोरिश होने लगी, एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ था, जो गरीब है वो अब फेड करने लगे और वो खुद मुख्तार हो गए, उनके पास एसेंशियल फ्रीडम थी सिटीजन्स के पास। और ऑल दो जो उनके जो मैक्सिमम सिटीजन्स है उनके पास एसेंशियल फ्रीडम्स नहीं दी जाती थी, उनको डिनाई किया जाता था। तो उसके बाद भी जो है रिकग्नाइजेशन मिली किसकी, सोशल आइडियाज की, और लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। सोशल जो स्टैंडर्ड है और उसकी जो लेवल होती है लोकल लेवल पे या हम कह सकते हैं इसकी निजी लेवल पे, लोग उसे रेस्पेक्ट दे रहे थे पूरे रशिया के अंदर, उसे एक्सेप्ट किया गया था, उसकी रिकग्नाइजेशन हुई थी यानी सोशलिस्ट आइडियाज को। बट इन अदर कंट्रीज या हर कंट्री के अंदर इन आइडियाज को रीथॉट किया गया, इस पे बात की गई, इस पे डिस्कशंस हो गए और कुछ ने डिफरेंट तरीके से इसे लिया, क्योंकि हर कंट्री की सिचुएशन जो होती है उसके ज्योग्राफी एंड जो डेमोग्राफी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उसके हिसाब से तय किए जाते हैं। तो हर कंट्री का एक अलग अप्रोच रहता है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान जब डिवीजन हुआ तो दोनों की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे बना और डिफरेंट तरीके से उन्होंने सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है अडॉप्ट किया और रन किया। इसी तरह रशिया के अंदर जो है सोशलिज्म जो इंट्रोड्यूस किया गया और बाकी तरीकों पे जो है उन पे जो दूसरे जो नेबरिंग नेशंस थे इसको रीथॉट किया गया। फाइनली जो है रशिया के अंदर पीस आती है, रशिया डेवलपमेंट की राह पे चलता है, रशिया एक सिस्टम अडॉप्ट करता है, उस सिस्टम को फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करता है। आज जो रशिया के अंदर जो है व्लादिमिर पुतिन जो अभी भी लीड कर रहे हैं, उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के दिमित्री मेदरवेदेव,
तो वो जो है उसके बाद से आज तक जो रशिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज में शामिल होता है, और पॉपुलेशन ऑल दो बहुत कम है बट डेवलप्ड है, और कंटिन्यूसली वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया उस सिस्टम को, और बड़े शांति के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं, और पूरी दुनिया के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, स्पेशली डिफेंस का और इकोनॉमी का, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है इंटरनेशनल लेवल पे उनकी। तो ये रशिया लास्ट में बना, बट कुछ चीज़ें जो है उसमें कुछ चीज़ें कुछ खामियां हर जगह रहती है। स्टिल जो रशिया जो 1970s के बाद टूट गया, उसकी सोवियत जो फेडरेशन है वो अलग हो गई, जिसमें आज के आप एरियाज लाइक अर्मानिया, अजरबैजान, कोसोवो, हर्जिगोविनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ठीक है, लेथविया, इवन की लिथुएनिया, और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो एरियाज है फिर सोवियत से अलग हो गए। तो ये था चैप्टर, यहाँ पे कंक्लूड होता है। फिर से हम थैंक्स करते हैं प्रेजेंटेशन जो नाज़िम रहमान ने बनाई थी, एम कॉम, एम फिल, बी एड, जी एन आई, आई टी, पी जी, डी सी ए, ये सारी इसकी डिग्रीज है, एम ए इंग्लिश भी है, एम ए हिस्ट्री भी है, और बी ए इन ह्यूमैनिटीज।